तो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास दीपक अरोड़ा जी आए हैं और ये हमारे सेक्टर 23 के कस्टमर हैं। भैया हमारे बहुत पुराने हैं और इन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया कि भाई कहाँ पे हो बताओ, तो फिर उसके बाद मैंने इनको लोकेशन भेजी तब ये यहाँ पर आए। और ये गाड़ी है बैटरी की इलेक्ट्रिक गाड़ी और कलर देख सकते हो आप कितना प्यारा कलर है इस गाड़ी का, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इसके ऊपर लिखा है टियागो ईवी, यानी कि बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। और कलर इसका बड़ा मुझे पसंद आया क्योंकि कलर इसका शेड मार रहा है, एक साइड से ग्रीन सा भी लग रहा है और मेटालिक पर्ल भी चमक रही है। और ये गाड़ी का प्राइस इन्होंने बताया है मात्र 12-13 लाख रुपये बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बताते हैं, जैसे कि काफ़ी महंगा आता है लेकिन ये जो है 12-13 लाख सही है। और ये तो गाइस ये टॉप मॉडल है और 12.5 लाख रुपए की ये गाड़ी है। और भैया की गाड़ी का बम्पर जो है ये आज अंदर मुड़ गया था तो हम इसको रिपेयर करेंगे। और इतनी दूर से आए हैं हमारे पास, फिर भी हमने इनको इतने कम पैसे बताए, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि यार पैसे बहुत ज़्यादा बताता है। ये इनकी शुरू से आदत यही रही है कि हम पैसे जितने मर्जी बता दें लेकिन ये ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। तो अब इसकी वीडियो हम बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसका बम्पर रिपेयरिंग का प्रोसेस। और अभी इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये गाड़ी कैसी है। इसका गियर का जो सिस्टम था बड़ा अच्छा सा है, ज़्यादा तकड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा रोलिंग वाला सिस्टम है। ये देखो गाइस अंदर से डैशबोर्ड और इसका स्टीयरिंग क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये गाड़ी है, म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर अच्छा है और ये एसी का सिस्टम है। और इसके अंदर गियर वाला सिस्टम ये दिया गया है, यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ये डी पे आ जाएगी और एन पे दबाएंगे तो न्यूट्रल, एस का भी कुछ है और ये वाला आपका आर का जो है ये रिवर्स वाला सिस्टम है। तो गाइस गाड़ी बड़ी प्यारी है और अगर आप सबको भी अगर ये गाड़ी लेनी है, वो पीछे बाबा जी हमारी खड़ी है, पता नहीं कब हमें कस्टमर का हमारे व्यूवर्स का इतना प्यार मिलेगा कि हम भी नई गाड़ी लें। तो ये इसकी सीट मैंने आपको दिखाई और बैक पोर्शन भी दिखा दूं, ये इसका बैक पोर्शन है और अंदर से इसके अंदर लाइट भी एलईडी वाली वाइट लाइट दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं इस गाड़ी को और हमें कमेंट में बताना कि आपको टाटा की ये ईवी गाड़ी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैसा लगा। ये देख लो, अब मैंने उनके आपको बताया कि पुराने कस्टमर है, जितना मर्जी कम बता दो फिर भी बोलते, तो भैया कह रहे हैं मैं अब 1 रुपया नहीं दूंगा, धमकी भी दे रहे हैं साथ में, लेकिन भैया बढ़िया है दे देते हैं पैसे। वैसे बम्पर खोल लिया है, बम्पर जा रहा है रिपेयरिंग के लिए। ये देखो ये इमरान जी हमारे उठा के ले जा रहे हैं बम्पर। ये हमारे सर हैं, बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद बम्पर उतरने के बाद गाड़ी देखो कैसी दिखती है। तो ये आगे से है पोर्शन है इसका और लाइट भी इसके अंदर बढ़िया सी दे रखी है, यानी अल्ट्रो जैसी टाटा की है उसी तरीके से इसकी आगे की शेप है। तो ये एक साथ मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी वरना मैं रुक रुक के वीडियो बनाता हूँ हर बार। और ये अंदर की इसके अंदर बैटरी ये दे रखी है एक, और ये सिस्टम पता नहीं क्या है, ये ABS वाला सिस्टम है और ये दो कूलेंट की बोतलें हैं। बाकी ये फ़ैन असेंबली कंडेंसर सब इसके अंदर आगे दे ही रखा है। और नीचे की साइड से बताते हैं जहाँ इसकी टंकी होती है वहाँ पे इसमें 2-3 बैटरी वगैरह लगी होती है। तो ये हमारे रिव्यू हैं टाटा टियागो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी। डिक्की पे भी जैसे इसका ईवी लिखा हुआ है तो सेम वैसे यहाँ भी ईवी लिखा हुआ है। और कलर आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी इसकी और बाकी जब हम इसका बम्पर लगाएंगे तब आपको दिखाते हैं कि बम्पर वापस लगने के बाद गाड़ी कैसी लगेगी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, मैं मुकेश फ्रॉम बाबा टूमवर वर्कशॉप से। ये जो आगे की साइड से लगी हुई थी गाड़ी, तो ये इसका जो पोर्शन है ये अंदर चला गया है। जैसे हमने एक बार वीडियो और बनाई थी टाटा वो थी अल्ट्रोस की, उसका भी सिस्टम ब्लैक वाली का पीछे की तरफ चला गया था, सेम इसका भी यही है। अब इसको खींचेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, अब यहाँ से देख सकते हैं ये बैंड हो रखा है। और दूसरी साइड से दिखाऊँ आपको तो वो अभी सीधा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये बिल्कुल सीधा है और उस साइड का बैंड हो रखा था, हम उसको खींचेंगे और इसको सीधा करेंगे। तो गाइज़ ये जो
पोर्शन बैंड हो रखा था, इसको हमने इस रबड़ वगैरह से खींच दिया है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लगा हुआ था, कम लगा हुआ था, इसलिए हमने रबड़ से खींच दिया। अगर ये ज़्यादा पीछे होता तो फिर इसका रेटर वगैरह खोलना पड़ता और उसके बाद फिर पेड़ में लगा के चैन से बांध के फिर इसको खींचना पड़ता, जैसे कि टाटा एल्ट्रोज हमने खींची थी ब्लैक कलर की। तो अब ये काफ़ी हद तक सीधा हो गया है, हद तक क्या, काफ़ी सीधा हो गया है। जब इसमें बम्पर लगाएंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा वो, और बम्पर अब जो है हम रिपेयर करने के लिए इमरान गया है। बम्पर रिपेयरिंग के बाद जब हम इसमें फिट करेंगे तो इसकी वापस लुक वही आ जाएगी जो जैसी थी। तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे, और ये काम हो रहा है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। पहले आपकी फिर हमारी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। गाइज, जिन भैया की ये गाड़ी है वो मेरे साथी थे, तो मैंने इनसे पूछा इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा है, तो भैया ने मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही भैया से आपकी बात कराता हूँ, ये आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में भैया को क्या अच्छा लगा। तो भैया, आपको इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा? नमस्कार फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी में सबसे बड़ा देखा जाए तो बैटरी के साथ पॉल्यूशन नहीं है, दूसरा इंटीरियर इसका बहुत अच्छा है, प्लस इसकी पिकअप बहुत अच्छी है क्योंकि एसी के साथ भी 120, 130, 140 तक निकलती है। और सबसे बड़ी बात है इसमें स्टीरियो बहुत बढ़िया लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास। ओवरऑल मिला के इस बजट की गाड़ी में एसी में इसमें फर्स्ट क्लास है, एसी के साथ भी गाड़ी नहीं लगती। और खड़े रहो, अगर आप खड़े भी रहेंगे, अगर आपको जैसे ड्रिंक करने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है और बेनिफिट गाड़ी है। ड्रिंक करने वाले मतलब बोले तो उससे क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि जो कि हम लोग विस्की पीते हैं अंदर बैठ के गाड़ी में, पेट्रोल जैसा जलता है वो आज की डेट में उनका पेट्रोल नहीं जलेगा, तो सर पहले बैटरी पे ही चार्ज होगा, चार्ज करेंगे। पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, अपनी गाड़ी में बैठो तो विस्की बिल्कुल मत पियो, आराम से अपने घर जाके पियो क्योंकि वो सेफ नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपने बताया था ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इंटीरियर अच्छा है, आगे पीछे का इंटीरियर अच्छा है, डैशबोर्ड के अंदर है, बूटलेग अच्छा है इसका, सब कुछ है, सीट्स कंफर्टेबल है। अच्छा, तो गाड़ी इस लेवल में 12 लाख रुपए के आसपास बहुत अच्छी है। तो गाइस, कुल मिला के गाड़ी 12-12.5 लाख रुपए सर ने बताया कि बहुत अच्छी गाड़ी है। तो हम आप सबको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका भी मन किसी नई गाड़ी के लिए कर रहा हो, वो भी ईवी इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो आप भी टाटा टियागो पे जाएं और ये गाड़ी लें। और बाकी इसका भैया ने बताया कि एसी बहुत ज़बरदस्त है और साथ में स्टीरियो, जो सबसे पहले इन्होंने बढ़ाई करी थी, मैं बताता हूँ स्टीरियो की बढ़ाई करी थी। और स्टीरियो मैंने अभी पहले भी आपको दिखाया था, एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ये स्टीरियो है और इंटीरियर अंदर का तो अच्छा ही। और मुझे जो इसके अंदर सबसे अच्छा लगा वो था गाइज इसका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग देख के ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कि लग्जरी फील होगा अंदर बैठने पे, जब हम किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं तो, और जब ये इतने की है तो लग्जरी से कम भी नहीं है। तो अब दिखाते हैं आपको हम अपना बम्पर का प्रोसेस जब गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। गाइज, बम्पर रिपेयर होकर आ गया था और इस साइड से ये सिस्टम जो है ये बैंड हो रखा था, तो हमने इसको गर्म करके इसको सीधा करा है। और अब जब इसको हम फिट करेंगे तो पहले ये अंदर था काफ़ी, पर पहले आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन अब जब ये बिल्कुल सही हो जाएगा तो वो दिखाऊंगा। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब ये पोर्शन बैंड होगा तो ये वाला हिस्सा जो है अंदर चला ही जाता है। तो अब जब ये गाड़ी प्रॉपर बम्पर लगा के फिटिंग होकर तैयार होगी तो फिर आपको दिखाते हैं। और इस गाड़ी का साइड लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाकई में पहली बार ऐसा कलर हमारे पास आया है। और टाटा वालों को हम दिल से सैल्यूट करेंगे जो इतनी प्यारी प्यारी गाड़ी है वो हमारे देश को दे रहे हैं, और वैसे भी टाटा हमारे देश की गाड़ी है, तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है दोस्तों। तो गाइस, बम्पर इसके अंदर फिट हो ही रहा है, और मैं अभी एक चीज़ देख रहा था कि आप भी सब देख सकते हैं, ये जाली जो अभी आपको दिख रही है, जाली नहीं है बेसिकली, ये है तो बम्पर के साथ ही, लेकिन जैसे ऊपर की ये ग्रिल ब्लैक है, अगर हम इस नीचे वाले सिस्टम को भी ब्लैक कर दें तो इसकी लुक में और 4 चांद लग जाएंगे। तो अगर आपके पास भी ये गाड़ी है तो आप भी हमसे आगे ये सब काम करा सकते हैं। हम डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, ड्राई डेंटिंग, बम्पर रिपेयर, एंटी रस्ट कोटिंग, वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, हम सारा काम करते हैं। बस आप एक बार आओ और काम करवा के देखो कि बाबा ऑटोमोबाइल पर आपको कैसा काम मिलता है। और हम 12 साल पुराने हैं, मैं चाहता था द्वारका छोड़ के कहीं इधर उधर भी जा सकता था काम करने के लिए, लेकिन मैंने द्वारका में ही दूसरी जगह सेक्टर 23 की जगह सेक्टर 12 देखी काम के लिए, ताकि हमारे जो भी पुराने कस्टमर हैं वो हमारे पास आ सकें। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं, काफ़ी पुराने कस्टमर हमारे वापस रिटर्न भी आ रहे हैं हमारे पास। तो यही मेरा प्यार है जो मैंने 12 सालों में कमाया है, और अगर आप लोग भी हमारे पास आओगे तो हमसे जितना अच्छा काम हो सकता है आपको करके देंगे। तो इसी बात पे फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर आते हैं तो हमसे जो बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट बनेगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। और गाइस, वीडियो देखते तो सारे ही हैं,
व्यूज भी मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी दिल से कर दिया करो। तो अब दिखाते हैं आपको इसका फाइनल स्टेप, जब ये गाड़ी रेडी हो जाएगी। की साइड से भी इसमें ये जो लॉक होते हैं इसके बाहर निकल गए थे, तो इसको भी हम सेट कर रहे हैं। तो इमरान आ गया हमारा इसको ठीक करने के लिए। तो गाइस इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिना खोले हो जाएगा, और बस पेचकस से थोड़ी सी हेल्प लेनी है, उसके बाद ये सीधा इसके लॉकों के अंदर जाके फिट हो जाएगा। तो हम जल्दी का काम करते हैं और आसान काम करते हैं। और गाड़ी के अंदर देखो छोटा सा डेंट है, लेकिन बिल्कुल दूर से क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये डेंट लग रहा है। और इसीलिए हमारा काम जो है डेंटिंग पेंटिंग का है, ताकि गाड़ियों के अंदर जब भी कोई गाड़ी किसी के पास आए तो बिल्कुल नई बना के रखे हो, और उसके अंदर मदद हम करेंगे, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप करेगी। बस आप गाड़ी से प्यार करो और हम गाड़ी से काम करेंगे उसके बाद। तो गाइज़ ये जो है लॉक जो निकल रहे थे वो हमने सेट कर दिए हैं, और गाड़ी फर्स्ट क्लास है, चारों तरफ से मैंने आपको दिखाई दी थी। अब मैं फ्रंट से एक बार दिखा देता हूँ जो हमने रिपेयरिंग करी थी, अब कैसा लग रहा है और दोनों साइड बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये इस साइड का साइड है, राइट साइड जो पहले उस साइड से ये गाड़ी लगी हुई थी, और ये वाला पोर्शन अंदर था। अब मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ जो हमने ठीक कर दिया है। ये देखो गाइस ये वाला पोर्शन जो है ये सारा अंदर था, और इसकी जो अंदर की सपोर्ट है वो बैंड हो गई थी, हमने बम्पर खोला, उसको रिपेयर करा, उसके बाद इसको सेट कर दिया। गाइस फाइनली गाड़ी तैयार हो चुकी है, बम्पर की सेटिंग आप देख सकते हैं। तो गाइस काम हमारा, तसल्ली आपकी, और एक बार सेवा का मौका ज़रूर देना और हमारी शॉप पर ज़रूर आना, बाबा ऑटोमोबाइल शॉप, पहले आपकी फिर हमारी वर्कशॉप। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।